स्वागत है आपका दोस्तों स्कैन इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम रीजनिंग के लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज का टॉपिक जो है, जो कि वेन डायग्राम है, उसको हम एग्जाम्स में कैसे उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, बेसिक्स जानेंगे। बेसिक्स जानने के बाद आपके जो क्वेश्चंस आ चुके हैं कुछ ट्रिकी सारे प्रीवियस ईयर्स में, वो हम देखेंगे, कुछ और भी सवाल देखेंगे। तो इन सबको मिलाकर हमारा आज का जो लेक्चर है वो डिलीवर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना रिलेशनशिप। तो यहाँ पे हम तीन टाइप ऑफ रिलेशनशिप देखते हैं। एक तो होता है ऑल का, एक होता है सम का, और एक होता है नो का। तो आइए यहां पे देखते हैं कि इन तीनों रिलेशनशिप को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेन डायग्राम में। तो जैसा कि मैंने बोला, पहला जो रिलेशनशिप होता है ये ऑल का होता है, ठीक है। दूसरा रिलेशनशिप किसका होता है? सम का। और तीसरा रिलेशनशिप जो होता है नो का होता है। ये तीनों आपस में डिफरेंट होते हैं, ये तीनों आपस में डिफरेंट होते हैं। और इनका जो डायग्राम बनता है ना, वो हम आगे की स्लाइड्स में देखते हैं वो कैसा बनता है, और उसके कुछ एग्जांपल्स क्या होते हैं ना, वो भी हम उन्हीं स्लाइड्स में देखेंगे। तो पहला रिप्रेजेंटेशन ऑल का होता है। तो ऑल का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, चलिए वो पहले हम लोग देख लेते हैं। तो ऑल का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप का होता है कि एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल रहेगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सर्कल, इस एलिमेंट्स को अगर हम डिवाइड कर लें कुछ भी पार्ट्स में, तो क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या इनफिनाइट पार्ट्स में इस सर्कल को अगर हम डिवाइड कर लें, और इस सर्कल का हम पूरा नाम रख दें C1, और इस सर्कल का नाम रख दें हम C2, तो क्या हम बोल सकते हैं ऑल द एलिमेंट्स ऑफ C1 आर प्रेजेंट इन C2? मतलब C2 को किसी भी इनफाइनाइट पार्ट में आप डिवाइड कर दिए, उसके सारे कण कण C2 के अंदर में होंगे। अगर आप C1 को इनफाइनाइट पार्ट्स में भी डिवाइड कर दें तो उसके सारे कण C2 के अंदर मौजूद होंगे। तो इस टाइप के रिलेशनशिप को हम ऑल का रिलेशनशिप बोलेंगे। तो उसका एग्जांपल चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल हो गया मैन और ब्रदर्स का। तो क्या मैन और ब्रदर्स में ऑल का रिलेशनशिप होगा क्या, उसको भी हम देखते हैं। तो ऑल का रिलेशनशिप देखने के लिए, ऑल का रिलेशनशिप देखने के लिए आपको डायरेक्शन में मूव करना होता है। या तो आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे या तो आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इस डायरेक्शन में मूव करके, मैन और ब्रदर का जो एग्जांपल है ना, इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो क्या सभी मैन ब्रदर होते हैं? नहीं। तो ये रिलेशनशिप तो यहां पे सम का, ठीक है। अब उल्टा मूव करते हैं, ब्रदर से मैन की तरफ आते हैं। क्या सभी ब्रदर्स मैन होते हैं क्या? जी हां, होते हैं। तो क्या हम देख रहे हैं ऑल ब्रदर्स आर मैन, ठीक है। तो ऑल ब्रदर्स आर मेन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऑल ब्रदर्स आर मेन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये मान लीजिए पूरा ब्रदर का सर्कल है, तो इसके सारे कण कण एक बड़े सर्कल के अंदर मौजूद होंगे, तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन होगा ऑल ब्रदर्स आर मेन, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, अगर ऑल के लिए आपको ढूंढना है कि इस दोनों वर्ड्स में ऑल का रिलेशनशिप है या नहीं है, तो पहला स्टेप आप क्या करेंगे, मूवमेंट, आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे या फिर लेफ्ट टू राइट आएंगे, ठीक है। आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे या तो राइट टू लेफ्ट आएंगे, और ये देखेंगे कि इन दोनों में किसी भी डायरेक्शन में जाने में, कोई सी एक डायरेक्शन में जाने में अगर ऑल का रिलेशनशिप बन रहा है, तो जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा वो ऐसा होगा। हालांकि पहले टाइम्स में आप देखिएगा, पहले टर्म्स में अगर देखिएगा तो लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे अगर हम मेन से ब्रदर की तरफ मूव करें, ऑल मेन्स आर ब्रदर्स, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। कुछ मेन हस्बैंड भी हो सकते हैं, कुछ मेन आपके फादर भी हो सकते हैं। तो ऑल मेन और ब्रदर तो एक टर्म में देखने में लग गया कि भाई ये तो सम का रिलेशनशिप है। लेकिन जैसे ही आप अपोजिट मूव करते हैं कि ऑल ब्रदर्स आर मेन, तो वहां पे आपको समझ में आ जाता है कि नहीं, ये सम का रिलेशनशिप नहीं है, ये ऑल का रिलेशनशिप है। तो ऑल के रिलेशनशिप में हमने क्या समझा, हम या तो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे एक बार, और दूसरी बार राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, तभी हम एस्टैब्लिश कर पाएंगे कि इन दो वर्ड्स में ऑल का रिलेशनशिप है या सम का रिलेशनशिप है या फिर नो का रिलेशनशिप है, ठीक है। उसी तरह एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये स्पेस का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें, क्या मुंबई इंडिया के अंदर है? हाँ, मुंबई तो इंडिया के ही अंदर है। क्या पूरे इंडिया को आप मुंबई बोल सकते हैं? नहीं। तो इस डायरेक्शन का रिलेशनशिप से अगर हम देखें, तो सम ऑफ द इंडिया रिप्रेजेंट्स मुंबई, सम ऑफ द इंडिया रिप्रेजेंट्स मुंबई, मुंबई, तो ये सम का रिलेशनशिप है। लेकिन जब हम उल्टे डायरेक्शन में देखते हैं कि मुंबई इज इनसाइड इंडिया, तो
ये ऑल का रिलेशनशिप हो जाएगा। तो जो फाइनल हमारा आंसर आएगा वो ऑल का रिलेशनशिप आएगा। तो इसका फिगर कैसा बनेगा, ये मुंबई और बाहर में ये इंडिया का रिप्रेजेंटेशन। तो होप करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होगी कि आपको दोनों डायरेक्शन में मूव करके देखना ही है कि आपका रिलेशन क्या आ रहा है। आप एक डायरेक्शन में मूव करके नहीं देखोगे, आप दोनों ही डायरेक्शन में मूव करके देखोगे तभी आपका आंसर सही आएगा। चलते हैं अब सम का रिलेशनशिप देखते हैं। तो सम का रिलेशनशिप कैसा है, सम का रिलेशनशिप कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि सम का देखिए, सम का मतलब कुछ, सभी नहीं, मतलब अगर एक आम पूरा है तो कुछ पार्ट उसका, कुछ पार्ट उसका जिसको हम सम बोलेंगे। तो कुछ कुछ पार्ट अगर हम यूज करते हैं, कुछ पार्ट यूज करते हैं, तो हमने इस सर्कल का कुछ पार्ट यूज किया, ये वाला पार्ट। अगर हम इस सर्कल को ही देखें, इसको अगर हम समझे, इसको अगर हम समझे, तो सर्कल का कौन सा पार्ट यूज किया, ये वाला पार्ट यूज किया, सम पार्ट ऑफ द सर्कल। सम पार्ट ऑफ द सर्कल इज दिस वन, और दूसरा वाला जो हम यूज कर रहे हैं, दूसरा वाला जो हम यूज कर रहे हैं वो ये वाला है। सम पार्ट ऑफ द सर्कल सी वन एंड सम पार्ट ऑफ द सर्कल सी टू। तो सम का जो रिलेशनशिप होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से वेरीफाई कर लेते हैं। तो डॉक्टर्स और मेन, डॉक्टर्स और मेन में क्या रिलेशनशिप होगा, क्या ऑल मेन आर डॉक्टर्स, ऑल मेन आर डॉक्टर्स नहीं, उनके प्रोफेशंस अलग अलग होते हैं। कुछ टीचर्स होते हैं, कुछ इंजीनियर्स होते हैं, कुछ डॉक्टर्स होते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं। तो ऑल मेन आर नॉट डॉक्टर्स, तो हम क्या बोलते हैं, सम मेन आर डॉक्टर्स। मतलब अगर मेन की कैटेगरी बनाए, मेन की अगर हम कैटेगरी बनाते हैं तो उसमें से कुछ डॉक्टर्स होंगे, कुछ इंजीनियर्स होंगे, कुछ पॉलिटिशियंस होंगे। जैसे अगर मान लीजिए ये आपका मेन का कैटेगरी है, ये मेन का पूरा सर्कल है, तो इस सर्कल का कुछ पार्ट डॉक्टर होगा, कुछ इंजीनियर होगा, कुछ पॉलिटिशियन होगा, कुछ प्रोफेशनल्स होंगे, तो हम देख सकते हैं कुछ कंपनी के सीईओ होंगे। तो हम देख सकते हैं एक बड़ा सा सर्कल है मेन का, उसमें कुछ कुछ पार्ट्स में हमने प्रोफेशन को तोड़ दिया। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें इन दोनों में ऑल का रिलेशन नहीं है, ठीक है। एक तो हमने इस डायरेक्शन में देख लिया, दूसरे डायरेक्शन में भी एक बार मूव करके देख लेते हैं। क्या ऑल डॉक्टर्स आर मेन, नहीं, कुछ डॉक्टर्स विमेन भी होती हैं। तो इसमें हम दोनों डायरेक्शन में पहले मूव करके देख लेते हैं कि ऑल का रिलेशनशिप तो नहीं है इसमें। तो फिर हम सम के लिए देखते हैं, तो सम डॉक्टर्स आर मेन, हाँ सही है, कुछ डॉक्टर्स मेन होते हैं, कुछ डॉक्टर्स विमेन होती है। या सम मेन आर डॉक्टर्स, ये भी सही है, क्योंकि कुछ मेन डॉक्टर्स हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, या फिर पॉलिटिशियन हो सकते हैं। तो इस टाइप से हम सम का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। ऑल का हमने देख लिया था, दोनों साइड में मूव करना है। दोनों साइड में मूव करने के बाद हमने क्या किया था, एक साइड से देखा था कि एक साइड से ऑल आ रहा था, दूसरे साइड से सम आ रहा था। लेकिन किसी भी एक साइड से अगर ऑल आता है तो वो ऑल का रिलेशनशिप कहलाता है। यहां पे हमने देखा कि दोनों ही साइड से सम आ रहा था, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि सम का रिलेशनशिप है। तो अब ये देखते हैं कि नो का रिलेशनशिप कहां पे आएगा। नो का मतलब क्या हो गया, नो का मतलब हो गया कि दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप ही एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। दोनों सर्कल्स में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर दोनों सर्कल्स में रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेंगी तो दोनों दूर अपार्ट होंगे। अगर हम देखें एप्पल और ग्वावाज में, हालांकि दोनों फ्रूट्स हैं, लेकिन क्या एप्पल और ग्वावा एक हैं? नहीं है। मतलब क्या एप्पल का कुछ पार्ट ग्वावा हो सकता है, या फिर ग्वावा का कुछ पार्ट एप्पल हो सकता है? नहीं हो सकता है। मतलब दोनों में कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं हो सकती है। तो इन दोनों वर्ड्स में अगर कोई भी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं हो पाई इन आइदर ऑफ द डायरेक्शन, तो हम उसको बोलेंगे नो का केस, ठीक है। टेबल और चेयर्स, हालांकि दोनों फर्नीचर ही हैं, दोनों ही फर्नीचर हैं, क्या आप टेबल को चेयर बोल सकते हो? नहीं। क्या आप चेयर को टेबल बोल सकते हो? नहीं। उसी तरह बॉयज एंड गर्ल्स, तो बॉयज एंड गर्ल्स भी आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो इस टाइप से उसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे। तो हमने यहां तक देख लिया ऑल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, सम का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, और नो का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। अब आपके एग्जाम्स में 10 टाइप के ऑप्शंस बनते हैं, तो वो 10 टाइप के ऑप्शंस क्या होते हैं वो चलिए हम देख लेते हैं एक बार। तो आइए यहां पे हम लोग ऑप्शंस देखते हैं कि कितने टाइप ऑफ ऑप्शंस आपके एग्जाम में बनते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, आप खाली ध्यान दीजिएगा कि मैं कौन कौन से वर्ड्स चेंज कर रहा हूं और कैसे कैसे हमारा आंसर आ जा रहा है। आप
आपको यहीं पे सब चीजें ध्यान में रह जाएंगी और आपको याद भी हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन दिखने में कैसा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है ऑल ऑल और ऑल का, तीन वर्ड्स आपको दे रखे होते हैं एग्जाम से, मैक्सिमम क्वेश्चंस तीन वर्ड्स पे बनते हैं, तीन वर्ड्स आपको दे रखे होते हैं और उनका रिलेशनशिप आपको एस्टैब्लिश करना होता है। ठीक है, उनका रिलेशनशिप आपको एस्टैब्लिश करना होता है। तो उस टाइप के रिलेशनशिप, उस टाइप के क्वेश्चंस में, उस टाइप के क्वेश्चंस में 10 टाइप के ऑप्शंस बनते हैं। वो हम यहाँ पे क्विक देख लेते हैं कि वो 10 टाइप के ऑप्शंस कैसे होते हैं। और एग्जाम से मान लो हम भूल भी गए ना कि ये ऑल 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 है या ऑल नो नो है, तो आप उस डायग्राम को खुद से भी बना पाओ एग्जामिनेशन हॉल में। याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे उस डायग्राम को सीख लेते हैं। ठीक है, तो जो तीनों केस है हमारा, जो हमारा पहला केस है वो क्या है, ऑल 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 का, मतलब तीनों में ऑल 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 का रिलेशन हो। तो हमारा जो डायग्राम होगा वो दिखने में कैसा दिखेगा। दो ऑल का केस हमने देखा था, एक जो छोटा वाला सर्कल है वो बड़े वाले सर्कल के अंदर होगा। इन दोनों का, दो ऑल के बीच का रिलेशनशिप ऐसा होता है। तो तीन ऑल के रिलेशनशिप कैसा होगा, तो ये दोनों एक बड़े वाले सर्कल के अंदर होंगे, तो ये तीन ऑल का रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, दूसरा जो हमारा ऑप्शन बनता है वो ऑल ऑल और सम का बनता है, ए फॉर ऑल और एस फॉर सम। तो ऑल ऑल का सम कैसा बनेगा, ऑल ऑल और सम का ऑप्शन कैसा बनेगा, तो देख लेते हैं। इस केस में आप क्या करो ना, अगर आपको, आपने आइडेंटिफाई अगर क्वेश्चंस में कर लिया कि ये ऑल ऑल और सम का केस है, तो डायग्राम कैसा दिखता है वो आप यहीं से बना लोगे। कैसे बनाओगे, यहां जो सम दे रखा है ना, सम दे रखा है, आप सबसे पहले एक सम बना लो, एक सम बना लिया। सम कैसा बनता है, ऐसा दिखने में लगता है। ठीक है, अब दो ऑल दे रखे हैं, मतलब ये दोनों सर्कल एक बड़े सर्कल के अंदर आएंगे। इन दोनों को ही एक बड़े सर्कल के अंदर ही आना होगा ना, तभी तो दो ऑल बनेगा, एक ऑल इसके लिए बनेगा और एक ऑल इसके लिए बनेगा। वो कैसे संभव है, वो इस प्रकार से संभव है। देख रहे हो आप, वो कैसे संभव है, इस प्रकार से संभव है। इसके अलावा कोई भी सर्कल बना दोगे तो ऑल ऑल सम का जो एक्सप्रेशन होगा, जो डायग्राम बनेगा वो गलत हो जाएगा। तो ऑल ऑल सम का जो डायग्राम होगा वो ऐसा होगा। ठीक है, तीसरा हम देख लेते हैं, तीसरा क्या होगा, ऑल 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 देख लिया, ऑल ऑल सम देख लिया, अब ऑल ऑल और नो देख लेते हैं, ऑल ऑल और नो देख लेते हैं। तो मैंने क्या बोला, ये लास्ट वाला जो है ना वो पहले ड्रॉ करो। नो कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। अब दो ऑल है, दो ऑल है, इस सर्कल के लिए भी एक ऑल है, इस सर्कल के लिए भी एक ऑल है, तो दोनों को कॉमन सर्कल कौन सा दिखेगा जो दोनों को ऑल कंटेन करेगा, वो ये वाला होगा। तो ऑल ऑल नो का केस ये बन जाएगा। ठीक है, चौथा केस देखते हैं वो होगा, इसे ऑल 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 हमने देख लिया, अब देखते हैं नो नो और नो। ये तीन नो है, तो तीन नो का मतलब क्या हो गया, आपस में तीनों में से कोई रिलेशन रिलेटेड ही नहीं है, तो कैसा सर्कल दिखने में बन जाएगा, ऐसा कुछ दिख जाएगा, तीनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, पांचवा केस क्या बनेगा, जैसे हमने क्या किया था, दो ऑल को कॉन्स्टेंट रखा था और ये वाला वैल्यू चेंज करते गए थे। ठीक है, तो यहां पे भी दो एन को एक साथ रखेंगे और वैल्यू चेंज करते हैं, तो दो एन और एक ऑल। तो मैंने क्या बोला, इस लास्ट वाले को आप पहले बनाओगे। ठीक है, ऑल का डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अब दो नो है, मतलब जो दो नो है, मतलब हमारे पास दो सर्कल हो गया है। अब इन दोनों सर्कल से एक ऐसा सर्कल बनाना है जो दोनों से ही रिलेटेड नहीं है, तो वो सर्कल ना ही इसको टच करेगा ना ही इसको टच करेगा, तो वो कैसा होगा, वो ये सर्कल होगा। ये सर्कल ना ही इसको टच कर रहा है ना ही इस अंदर वाले सर्कल को टच कर रहा है, ये सर्कल ना ही इसको टच कर रहा है ना ही इसको टच कर रहा है। तो दो नो हो गए, एक नो हो गया ये सर्कल वन और टू के बीच में, और एक नो किसके बीच में हो गया, ये बड़ा वाला सर्कल जिसको अगर हम थ्री बोल दें, थ्री और टू के बीच में, तो दो नो हो गए और एक ऑल हो गए। ठीक है, तो इतनी आसानी से आप फिगर बनाना सीख जाओगे ना कि आपको एग्जाम्स में याद रखने की जरूरत नहीं होगी, अरे भाई ये केस था ऑल ऑल नो, इसका डायग्राम कैसे बनता है। तो हम डरेंगे नहीं, हम एम्पावर्ड होंगे, हमें पता होगा, हम आराम से ड्रॉ करेंगे और हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बहुत ही कम टाइम में, और अपना टाइम सेव करेंगे और हाई स्कोर करेंगे। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, नो नो ऑल का। ठीक है,
हमने नो 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 देख लिया, नो नो ऑल देख लिया, और अब एक और देख लेते हैं, कौन सा बच गया? नो नो और सम। मैंने क्या बोला? जो लास्ट वाला पार्ट है आप उसको ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि वो आप ऑलरेडी जानते हैं। सम का फिगर कैसा बनता है? कुछ इस टाइप का, और दो नो है, और इसमें दो नो है। तो ऐसा कोई सर्कल बनाइए, ऐसा कोई सर्कल बनाइए जिसमें दो नो दिखे। ऐसा कोई सर्कल कैसा बनेगा जो कि नो बनाए इससे भी और इससे भी, जो कि इन दोनों से रिलेटेड ना हो? तो ये दोनों तो ऑलरेडी है ही, एक आप यहां पे बना दो। तो ये जो थर्ड सर्कल है, अगर इसको हम नंबरिंग कर दें 1 2 3, थर्ड और टू का कोई रिलेशन नहीं है, और वन और थ्री का कोई रिलेशन नहीं है, और वन और टू में एक रिलेशन है जो कि सम का हो गया, ठीक है? तो आप इस तरह से एग्जाम्स में सोच सकते हैं। नेक्स्ट केस हमारा क्या हो जाएगा? हमने ऑल 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 देख लिया, उसके वेरिएशंस देख लिए थर्ड को चेंज करके, एक बार ऑल देखा, सम देखा और नो देख लिया। फिर हमने नो 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 देख लिया, उसके वेरिएशंस देख लीजिए, एक बार हमने दो थर्ड प्लेस है उसको ऑल कर दिया, एक बार सम कर दिया। तो हमारे पास बच क्या गया? सम, सम और सम, ठीक है? तीन सम का एक डायग्राम कैसा बनेगा? तीन सम का डायग्राम कैसा बनेगा? तो एक सम तो ये हो गया, अब एक सम हमें कैसा बनाना है? हमें बाकी जो बचा सम है वो कैसा दिखेगा? एक सम ऐसा होना चाहिए जो इसके साथ भी सम बनाए, वो इसके साथ भी सम बनाए, तो वो एकमात्र फिगर ऐसा दिखेगा, ठीक है? एट्थ डायग्राम कैसा हो जाएगा हमारा? एट्थ डायग्राम जो है वो हमारा कैसा हो जाएगा? तो मैंने क्या बोला? इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है। तो सम 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 हो गया है, तो सम सम और ऑल बच गया। अगर ऐसा कुछ दे रखा है, सम सम और ऑल का रिलेशन हमने पता कर लिया कि इस तीन वर्ड्स में सम सम ऑल का रिलेशन है, तो फिगर कैसा दिखेगा? तो मैंने क्या बोला, ये थर्ड वाला उठाओ, उसका तो पहले इत्मीनान से फिगर बना लो, और हमें दो सम बनाने, दो सम बनाने किसके 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 लिए? एक सर्कल वन के लिए और एक सर्कल टू के लिए। एक मिनट, किसके किसके लिए? एक सर्कल वन के लिए, ये सर्कल नहीं है, ये जो मैंने लिख दिया ना वन के अंदर, ये सर्कल नहीं है, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, ठीक है? तो दो सम बनाने, दो सम बनाने हैं, एक सर्कल वन के लिए और एक सर्कल टू के लिए। ऑल तो हमने ऑलरेडी बना लिया, तो जो दो सम बनेगा, एक सम इसके लिए बनेगा, एक सम इसके लिए बनेगा, और बच गए कितने पास? हम एक ही सर्कल और यूज कर सकते हैं, एक ही सर्कल और यूज कर सकते हैं। तो एक सर्कल जब हम यूज करेंगे और दोनों के लिए हमको सम बनाना है, तो वो कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा, तो जो सर्कल होगा वो आउटर सर्कल को भी इंटरसेक्ट करना चाहिए और इनर सर्कल को भी इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो ये हमारा केस हो जाएगा सम सम और ऑल का। ऑल देख रहे हैं हम लोग वन और टू के बीच में है, दो सम कैसे हो गया? एक वन और थ्री के बीच में और एक टू और थ्री के बीच में, तो इसका मतलब ये भी फिगर हमारा सही है, ठीक है? नेक्स्ट केस जो है हमारा नंबर 9, सम सम ऑल देख लिया हमने और सम सम नो देख लेते हैं। तो ये मैंने बताया था ना कैसा होगा, नो लास्ट वाले को हमने पहले ड्रॉ कर लिया, और दो सम बनाना है, एक ऐसा सर्कल बनाना है तो दोनों के ही कॉमन हो, तो क्या होगा? वो ऐसा सर्कल हो जाएगा जो इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा, तो सम सम नो का फिगर ऐसा हो जाएगा, ठीक है? जो लास्ट बच गया आपके पास, जो लास्ट बच गया वो कौन सा हो जाएगा? ऑल सम और नो। तो ऑल सम और नो का फिगर कैसा बनेगा? ऑल सम और नो का फिगर कैसा बनेगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर बनता है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो ऑल का फिगर कैसा बनेगा, कोई भी एक उठा लीजिए, जैसे मैंने ऑल उठा लिया, तो ऑल का फिगर कैसा बनता है? ऐसा बनता है। अब इसमें से जो थर्ड सर्कल बनेगा वो नो भी होगा और सम भी होगा, वो नो भी होगा और सम भी होगा। तो वो नो भी हो और सम भी हो कैसे हो सकता है? तो ऐसा सर्कल बनाएंगे, ऐसा सर्कल हम सोचेंगे जो अंदर वाले सर्कल को इंटरसेक्ट ना करे, तो वो नो हो जाएगा, लेकिन बाहर वाले सर्कल को इंटरसेक्ट करे तो वो सम हो जाएगा। तो कुछ ऐसा अगर बन जाए जो बाहर वाले सर्कल को इंटरसेक्ट करे, तो वो इन दोनों के बीच में सम का रिलेशन हो जाएगा, इनके और इनके बीच में नो का रिलेशन हो जाएगा, और इनके बीच में ऑल का रिलेशन हो जाएगा। तो इस फिगर्स के थ्रू, इन फिगर्स के थ्रू हम जितने भी ऑप्शंस हमसे एग्जाम्स में आते हैं ना, वो हम यहां से डिराइव कर सकते हैं। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप वहां पे जाके ही बना लोगे। जिस तरीके से मैंने सिखाया ना कि
कैसे हमें फिगर्स बनाना है ना, वो वहां पे एग्जाम्स में जाके आप खुद ड्रॉ कर लोगे, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग समराइज कर लेते हैं, इसको हम लोग ना समराइज कर लेते हैं, हमने किया क्या। हमने एक बेसिक एलिमेंट उठाया ऑल 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 का, उसका डायग्राम हमने देखा कैसे बना, फिर उसमें हम वेरिएशन करते गए। दो ऑल और एक सम दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाले का फिगर बनाते हैं और बाकी दोनों फिगर को एडजस्ट कर देते हैं उसके हिसाब से। आप हमेशा यही ट्राई करना, जब भी दो एक जैसे हैं और तीसरा यूनिक हो तो यूनिक वाले का फिगर पहले बनाओ और बाकी दोनों को उसमें एडजस्ट करो, तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा। तो अब हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। तो इन क्वेश्चंस में हम क्या, हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए दोस्तों, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए। एक तो हो गया बेसिक, बेसिक से हम सॉल्व करेंगे कि भाई इन तीनों में रिलेशन किस चीज का है वो हम देखेंगे, उसके बाद हम ऑप्शन मैच करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, और दूसरा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। आप एक चीज ध्यान रखो, आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड तो आना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये आपको आ गया ना तो रीजनिंग के जो सवाल है वो चुटकियों में बनेंगे। तो हम इनको दोनों मेथड से बना के देखते हैं कि सबसे आसान मेथड कौन सा है इन दोनों में से। तो जो पहला सवाल है, पहला सवाल है अवार्ड्स, प्लिट्जर प्राइज एंड ऑस्कर्स, तो इन दोनों में किसका रिलेशन है, इन दोनों में क्या चीज का रिलेशन है, इन दोनों में क्या चीज का रिलेशन है, एक अवार्ड है और एक प्लिट्जर प्राइज है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या चीज का रिलेशन है। अगर हम, मैंने क्या बोला, आप दोनों डायरेक्शन में पहले रिलेशनशिप स्टैब्लिश करके देखिए कि ऑल का है कि नहीं है। तो क्या सारे अवार्ड्स आर और अवार्ड्स पल्जियर प्राइस, इधर से अगर हम इधर जाएं तो नो ऑप्शन आता है। लेकिन क्या सारे पल्जियर प्राइस को हम अवार्ड्स बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। तो मगर हम इधर से इधर आए तो ऑल का रिलेशनशिप है, तो हमने देखा इन दोनों के बीच में ऑल का रिलेशनशिप है। उसी तरह ऑस्कर भी एक प्राइज होता है, तो अवार्ड्स और ऑस्कर के बीच में ऑल का रिलेशनशिप है, मतलब एक ऑल का रिलेशनशिप ऑलरेडी आ गया, एक ऑल का रिलेशनशिप अवार्ड्स और ऑस्कर के बीच में। इन दोनों में क्या चीज का रिलेशनशिप है, इन दोनों में क्या चीज का रिलेशनशिप है, इन दोनों में नो का रिलेशनशिप होगा, क्योंकि ऑस्कर और ये वाला अवार्ड तो आपस में रिलेटेड ही नहीं है, ऑस्कर और ये वाला अवार्ड तो आपस में रिलेटेड ही नहीं है, तो इनमें क्या है, नो आ जाएगा। ठीक है, तो ए ए एन का रिलेशनशिप है। अब वहां पे हम ये ड्रॉ करते हैं ए ए एन का रिलेशनशिप कैसा हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा, अगर दो चीज एक जैसे हैं, दो एलिमेंट्स एक जैसे हैं, तो हम ड्रॉ किसका फिगर करेंगे, नो का। तो नो का फिगर हमने ड्रॉ कर लिया, नो का फिगर हमने ड्रॉ कर लिया। एक नो है और दो ऑल है, एक नो है और दो ऑल है, मतलब ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल एक कॉमन सर्कल के अंदर आएगा तभी तो दो ऑल हो पाएंगे ना, तो फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ये आ जाएगा। ठीक है, आंसर जो है हमारा सी, वो वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब इसको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से देखते हैं, क्या इससे छोटा तरीका हो सकता था। हमने क्या एस्टेब्लिश किया, अवार्ड्स और प्लिट्जर प्राइस के बीच में क्या चीज का रिलेशनशिप है, ऑल का रिलेशनशिप है। जैसे ही मुझे ये रिलेशनशिप मिली, एक रिलेशनशिप मिली ऑल वाली, एक रिलेशनशिप मुझे ऑल वाली, मैं ऑप्शन में जाऊंगा देखने के लिए, ऑप्शन में देखने के लिए जाऊंगा और ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसमें ऑल का कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। अब फिर हमने इन दोनों को देखा, इन दोनों में क्या चीज का रिलेशनशिप था, नो का रिलेशनशिप था। अब ये देख लो, ये सारे ऑल हैं, ये सारे ऑल हैं, बच गया क्या ये? नो का रिलेशनशिप किस एक ही फिगर में, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, उससे भी शॉर्ट, अगर हम डायरेक्ट यही देख लिए होते ना कि नो का रिलेशनशिप है प्राइज और ऑस्कर्स के बीच में, तो नो का रिलेशनशिप सिर्फ एक ही फिगर में, हमारा आंसर एक झटके में आ गया। तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको सीखिए, और ये कैसे आप सीख सकते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करके। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है कि रिप्रेजेंटेशन बताना है मेल फादर्स और इंजीनियर्स के बीच में, मेल फादर्स और इंजीनियर्स के बीच में। तो हमने क्या किया, हम दो दो करके सबका रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे। मेल और फादर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, मेल और फादर के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं, लेफ्ट टू राइट जाएं, तो क्या ऑल मेल्स आर फादर्स, क्या ऑल मेल्स आर फादर्स, नहीं, कुछ फादर नहीं भी हो सकते हैं।
कुछ बैचलर भी होते हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। क्या ऑल फादर्स आर मेल? अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ आए, ऑल फादर्स आर मेल, तो यहां सही बैठ रहा है, तो हमारा जो रिलेशनशिप होगा क्या चीज का होगा? ऑल का होगा। तो एक तो आ गया ऑल, ठीक है। उसके बाद फादर और इंजीनियर्स में देख लेते हैं, फादर्स और इंजीनियर्स में देख लेते हैं, फादर और इंजीनियर के बीच में देख लेते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ऑल फादर्स आर इंजीनियर्स, नहीं। राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं, ऑल इंजीनियर्स आर फादर्स, नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे ऑल का केस तो नहीं बनेगा। सम का केस देखते हैं फिर, क्या सम फादर्स आर इंजीनियर्स? हाँ। क्या सम इंजीनियर्स आर फादर्स? हाँ। कुछ इंजीनियर्स फादर्स हो सकते हैं, कुछ इंजीनियर बैचलर्स भी हो सकते हैं, तो दोनों साइड सम का रिलेशन आ रहा है, तो मतलब इन दोनों के बीच में सम का रिलेशन होगा। तो एक रिलेशनशिप सम का आ गया। और मेल्स और इंजीनियर्स में एक रिलेशनशिप देखना है हमें, मेल और इंजीनियर्स में देखना है। क्या ऑल मेल्स आर इंजीनियर्स? नो। क्या ऑल इंजीनियर्स आर मेल्स? नो। ऑल मेल्स इंजीनियर्स क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि कुछ डॉक्टर्स होंगे, कुछ पॉलिटिशियंस होंगे। ऑल इंजीनियर्स मेल्स क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि कुछ इंजीनियर्स फीमेल भी हो सकती हैं, ठीक है। तो और तो इसमें भी जो रिलेशन आएगा सम का है। क्यों? सम मेल्स आर इंजीनियर्स पॉसिबल है, कुछ मेल्स इंजीनियर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हैं। सम इंजीनियर्स आर मेल्स, कुछ इंजीनियर्स मेल्स हैं, कुछ इंजीनियर फीमेल हैं। तो ये दोनों करेक्ट हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा सम का रिलेशन। हमने क्या देखा? SSA कैसा डायग्राम बनेगा? कैसा डायग्राम बनेगा? मैंने क्या सिखाया था? जो भी एक इकलौता है उसको पहले ड्रॉ करो, ये ऑल हो गया। अब दो सम बनाना है, दो सम किसके किसके बीच बनेगा? ये और एक सर्कल आपको और बनाना है। वो ऐसा सर्कल होगा जो इसके साथ भी सम बनाएगा और इसके साथ भी सम बनाएगा। वो फिर कैसा दिखेगा वो सर्कल ड्रॉ करने पे? कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो तीसरा सर्कल ड्रॉ किया वो इस सर्कल के साथ सम बना रहा है, इस सर्कल के साथ भी सम बना रहा है, तो हमारा फिगर जो होगा कुछ ऐसा दिखने में लगेगा। तो क्या देखते हैं कौन सा फिगर है ऐसा? कौन सा फिगर है ऐसा? ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से देख लेते हैं। तो सम सम ऑल, एक ऑल का रिलेशनशिप है, एक ऑल का रिलेशनशिप है, इसमें कोई ऑल का रिलेशनशिप है नहीं, ये फिगर चला गया, ठीक है। इसमें दो ऑल पड़े हुए हैं लेकिन रिलेशनशिप सिर्फ एक ऑल का है, तो ये फिगर चला गया। और नो का रिलेशनशिप तो हमारे पास है ही नहीं, एक फिगर ये चला गया, तो आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से आप तुरंत आंसर ला सकते हो बिना यहां पे कोई फिगर बनाए हुए। ये मैं यहां पे इस एग्जांपल से आपको शो करना चाहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन रोडेंट्स लिविंग बींग्स, मेन रोडेंट्स और लिविंग बींग्स, ठीक है। तो मेन और लिविंग बींग्स के बीच में क्या चीज का रिलेशन आएगा? ऑल मेन आर लिविंग बींग्स, ए आ जाएगा। ऑल रोडेंट्स आर लिविंग बींग्स, ठीक है, ऑल रोडेंट्स आर लिविंग बींग्स। और मेन और रोडेंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप आ जाएगा? नो का। मेन और रोडेंट्स के बीच में रिलेशनशिप किस चीज का आ जाएगा? नो का। तो मेरे फिगर में क्या आना चाहिए? दो ऑल और एक नो, दो ऑल एक नो, ये तो चला गया, इसमें तो कोई ऑल नहीं है ना ही नो है, इसमें सारे ही नो है, एन एन एन, तो ये चला जाएगा। ये भी वही है, अगर इस फिगर को ऐसा टेढ़ा कर दो तो यही बन जाएगा ना, तो ये भी नहीं हो पाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये दो ऑल और एक दोनों के बीच का नो, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से हमने देखा कि कितना जल्दी हम आंसर ला सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो हमारा आपसे क्वेश्चन होता है वो ये पूछा जाता है कि कुछ आपको सर्कल्स के अब नाम दे दिए होते हैं और कुछ आपसे क्वेश्चंस में इस सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये रीजन बता दो, ये रीजन बता दो कि इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, या फिर ये बोल देते हैं क्वेश्चन में कि ये रीजन कौन सा फिगर में ऐसा नंबर होगा, जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि एजुकेटेड एम्प्लॉयड बट नॉट कंफर्म, या फिर एजुकेटेड एम्प्लॉयड एंड कंफर्म्ड। तो ये रीजन कौन सा है? एजुकेटेड एम्प्लॉयड और कंफर्म्ड का। तो वो कैसे आता है वो हम देख लेते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयड, ठीक है, एजुकेटेड का एक सर्कल दे रखा है आपको, एम्प्लॉयड का भी एक सर्कल दे रखा है, ये एजुकेटेड का हो गया, ये एम्प्लॉयड का हो गया, और एक ट्राइंगल दे रखा है, एक ट्राइंगल दे रखा है कंफर्म जॉब्स का, एक ट्राइंगल दे रखा है कंफर्म जॉब्स का, क्वेश्चन क्या पूछा है, नॉट कंफर्म्ड, तो ये रीजन कंफर्म्ड का है, ये रीजन कंफर्म्ड का है, और बाकी जो रीजन है आपके पास, ये वाला हो गया और ये वाला जो रीजन हो गया, ये वाला रीजन हो गया और ये वाला रीजन हो गया और ये वाला रीजन हो गया, ये कौन से हो गए, नॉट कंफर्म्ड, ये वाला रीजन छोड़ के बाकी सारे नॉट कंफर्म्ड हो जाएंगे, तो नॉट कंफर्म्ड तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, नॉट कंफर्म्ड तो इसी रीजन में से कोई आंसर होना चाहिए मेरा, इसी रीजन में से कोई मेरा आंसर होना चाहिए। दूसरा क्या पूछा है, एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयड, एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयड, तो एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयड का क्या फिगर बनेगा, ये अगर हम टोटल देखें तो ये एजुकेटेड और एम्प्लॉयड का फिगर है, एजुकेटेड और एम्प्लॉयड का फिगर है, तो हमारा आंसर इस रीजन में होना चाहिए, हमारा आंसर इस रीजन में होना चाहिए, तो इस रीजन में कौन कौन सा रीजन है जो हमारे आंसर से मैच करेगा, एक ये वाला रीजन और एक ये वाला रीजन, ये नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि पूछ रखा है नॉट कंफर्म और ये कंफर्म्ड वाला रीजन है, तो हमारा आंसर ये रीजन होगा और ये रीजन होगा, तो ये रीजन को हमने क्या बोल रखा है, बीडी, तो हमारा आंसर बीडी हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्या, वो भी देख लेते हैं, हम बस ये वाला रीजन देखते हैं, एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयड, एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयड अगर हम देखें तो कौन सा रीजन होगा, ये इसमें कौन कौन से ब्लॉक्स आएंगे, बी ई और डी, तो हमारे आंसर्स में बी तो आना ही चाहिए, डी भी आना चाहिए, ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ए सी नहीं है, ए बी सी नहीं है, ए डी सी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी डी, तो आप देख सकते हो क्यों चुटकियों में आप ये आंसर ला सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, प्रॉब्लम जो है हमारा नेक्स्ट, उसमें ना आपको कुछ नंबर्स दे रखे होते हैं, आपको डायग्राम ड्रॉ करना होता है, वेन डायग्राम आपको ड्रॉ करना होता है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, तो आसानी से देख लेते हैं यहाँ पे कि आराम से वेन डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अभी हम देखते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम नंबर बेस्ड प्रॉब्लम अगर दे रखा हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम से। तो दे रखा है 14 नोटबुक्स ऑफ क्लास वेयर करेक्टेड विथ इंक पेन, ठीक है भाई, इंक पेन का एक सर्कल बना लिया, कितने करेक्ट हुए, इस सर्कल का पूरा वैल्यू क्या है, 14, अगर हम पूरा सर्कल देखें तो पूरा सर्कल का वैल्यू क्या है, 14 है, क्योंकि 14 नोटबुक्स ऑफ क्लास वेयर करेक्टेड विथ इंक पेन, 22 नोटबुक वेयर करेक्टेड विथ कलर पेंसिल, अगर हम कलर पेंसिल को येलो से दिखाएं, कलर पेंसिल को पहले तो अलग बना लेते हैं, कलर पेंसिल ये हो गया, तो दोनों को अगर अलग अलग बनाए तो 22 नोटबुक, इस पूरे सर्कल की वैल्यू 22, इसका कोई पार्ट काट दें तो 22 से कम हो जाएगा, लेकिन इस पूरे सर्कल की वैल्यू 22 है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इफ 4 नोटबुक्स वेयर करेक्टेड विथ बोथ, अब बोल रखा है कि कुछ नोटबुक्स है ना तो इंक से भी करेक्ट हुए हैं और कलर पेंसिल से भी करेक्ट हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि कुछ नोटबुक कॉमन होंगे दोनों के केस में, कुछ नोटबुक कॉमन होंगे दोनों के केस में, कुछ सम मतलब सम का रिलेशनशिप होगा, तो कुछ नोटबुक कॉमन होंगे दोनों के केस में, उसका फिगर कैसा बन जाएगा, उसका फिगर कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, तो कुछ नोटबुक कॉमन हो जाएंगे, ये इंक से भी हो सकेंगे चेक और कलर पेंसिल से भी चेक हो सकेंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 4, ठीक है। अब आप देखिए क्या हो क्या रहा, तो क्या हम बोल सकते हैं, अगर सिर्फ ये वाला पार्ट देखें, इस सर्कल को खाली बाहर निकाल लें, इस सर्कल को अगर हम बाहर निकाल लें तो क्या, इस सर्कल को अगर हम बाहर निकाल लें तो कुछ ऐसा पार्ट बन सकता, दिख रहा है क्या आपको, इस सर्कल में ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है,
वही सेम फोर। और अगर ये वाला सर्कल देखें, ये वाला सर्कल देखें, अगर इस टाइप से ये वाला सर्कल का पार्ट देखें, तो ये इसका वैल्यू कितना है, फोर। तो हुआ क्या, 22 ये टोटल है, 14 ये टोटल है, और ये वाला पार्ट को हम दो बार काउंट कर रहे हैं, ये वाला पार्ट को हम दो बार काउंट कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट को हम, शेडेड वाला पार्ट को हम यहां पे भी काउंट कर लिए और शेडेड वाला पार्ट को हम यहां पे भी काउंट कर लिए। तो एक बार शेडेड वाला पार्ट हमको हटाना होगा, एक बार शेडेड वाला पार्ट हमको हटाना होगा। क्यों हटाना होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास क्या होगा, दिस सर्कल प्लस दिस सर्कल माइनस वन टाइम्स ये, क्योंकि ये दो दो बार कैलकुलेट हो गया है, एक बार यहां पे और एक बार यहां पे। अगर इस फिगर में देखें तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट एक बार और प्लस सिर्फ ये वाला पार्ट, ठीक है। इसको दूसरे कलर के पेन से देखते हैं, दूसरे कलर के पेन से देखते हैं, तो आप समझ रहे हो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, उसके बाद ये वाला पार्ट, उसके बाद ये वाला पार्ट, ठीक है, उसके बाद ये वाला पार्ट। तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास क्या हो जाएगा, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो बड़ा वाला सर्कल का वैल्यू क्या था, बड़ा वाला सर्कल का वैल्यू क्या था, टोटल वैल्यू 14 था, लेकिन अगर हम उसमें से एक वैल्यू निकाल लें, ये वाला पार्ट अगर निकाल लें, तो क्या हो जाएगा, 14 माइनस 4 10 हो जाएगा। इस वाले बड़े सर्कल का वैल्यू क्या था, 22, इसको एज इट इज रहने दें, तो 22 प्लस 10 हमारा आंसर 32 हो जाएगा। शॉर्ट में क्या, हमने इंक पेन वाला सर्कल देखा, हमने इंक पेन वाला सर्कल देखा, हमने पेंसिल वाला सर्कल देखा, दोनों को मर्ज कर दिया क्योंकि कुछ बुक्स जो थे दोनों से ही चेक हुए थे, ठीक है। अब क्या होगा, जो हम आंसर कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करेंगे, अलग अलग सर्कल को देख लेते हैं, तो इंक वाला सर्कल एक हो जाएगा, एक कलर पेंसिल वाला सर्कल हो जाएगा, लेकिन जो कॉमन पार्ट होगा वो इंक वाले सर्कल में भी आ जाएगा और पेंसिल वाले पार्ट में भी आ जाएगा, पेंसिल कलर वाले पार्ट में भी आ जाएगा, तो एक बार उसे हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हमने बेसिकली किया क्या, 22 प्लस 14 माइनस 4, बड़ा वाला सर्कल को ऐड किया, मतलब कलर पेंसिल वाले को ऐड किया, इंक पेन को ऐड किया, और जो कॉमन वाला पार्ट था उसको एक बार माइनस किया, दो बार नहीं एक बार, ठीक है। तो हमारा आंसर 32 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल होता है, इसमें कभी आपको न्यूज़पेपर दे देगा कि दो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं और एक हिंदू पढ़ता है, एक इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता है, कॉमन इतने लोग पढ़ते हैं और कुछ लोग सिर्फ हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, तो उस टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को देखने के पहले हम ये देख लेते हैं कि इस तीनों जो सर्कल होता है इसका मतलब क्या होता है, मतलब क्या है, हमने इसे कहाँ पढ़ा था, सम सम और सम वाले केस में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए बी सी लाइक एप्पल्स बनानास एंड कैरेट, ए वाले को एप्पल, बी वाले को बनाना और सी वाले को, और सी वाले को कैरेट, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, बी की वैल्यू 12 दे रखी है, सी की वैल्यू 16 दे रखी है, तो फिगर बनाते हैं। अब फिगर बनाने पे, फिगर बना पे ए की वैल्यू, अगर ये हम पूरा सर्कल देखें, पूरा सर्कल देखें, पूरा सर्कल देखें, इसको कलर चेंज करते हैं इसका, अगर हम ये वाला सर्कल देखें, इसको बोल दें ए, इसको बोल देते हैं बी और इसको बोल देते हैं सी, ठीक है। तो ए होता है 10, द नंबर ऑफ पीपल इन ए आर 10, अगर हम ये पूरा देखें, ये पूरा सर्कल में नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 10 है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या दे रखा है, नंबर ऑफ पीपल
में बी में कितने हैं? 12 हैं. नंबर ऑफ पीपल बी में कितने हैं? 12 हैं. और नंबर ऑफ पीपल सी में कितने हैं? नंबर ऑफ पीपल सी में कितने हैं? 16. ये 16 है. ठीक है. थ्री पीपल आर सच दैट दे एंजॉय एप्पल बनाना एज वेल एज कैरेट. मतलब उनको तीनों ही चीजें पसंद है. तो ऐसा कौन सा रीजन है यहां पे जो कि तीनों को कैटर करेगा, जो कि तीनों को कैटर करेगा, मतलब वैसा रीजन जो तीनों ही सर्कल में कॉमन हो. तो ये वाला जो रीजन है वो तीनों ही सर्कल में कॉमन है. तो क्या हम बोल सकते हैं, क्या हम बोल सकते हैं कि जो ये दे रखा है थ्री पीपल आर सच दैट दे एंजॉय एप्पल्स बनानास एज वेल एज कैरेट. तो ये जो कॉमन वाला रीजन है ये एप्पल बनाना और कैरेट वाला है, तीनों का कॉमन. यहां पे एप्पल भी आ रहा है, यहां से बनाना, बनाना वाला पोर्शन कौन सा है? ये वाला. और कैरेट वाला पोर्शन कौन सा है? ये वाला. तो एप्पल बनाना कैरेट ये तीनों ही यहां पे प्रेजेंट है. तो इसकी वैल्यू कितनी है? 3. इसकी वैल्यू कितनी है? 3 है. नेक्स्ट बढ़ते हैं. टू ऑफ देम लाइक एप्पल्स एंड बनानास. यहां पर लिख लीजिएगा ओनली. दो लोग, सिर्फ दो लोग ऐसे हैं जिनको एप्पल और बनाना दोनों पसंद है. सिर्फ दो लोग ऐसे हैं. अब ये वाला रीजन कौन सा है? एप्पल बनाना और कैरेट वाला. तो सिर्फ दो लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ एप्पल और बनाना पसंद है. सिर्फ एप्पल और बनाना वाला रीजन कौन सा है? वो ये वाला हो जाएगा. ये वाला रीजन क्या हो जाएगा? ऐसे लोग जिनको सिर्फ एप्पल और बनाना पसंद है. तो इसकी वैल्यू कितनी है? 2 है. इसकी वैल्यू कितनी है? 2 है. चलिए लास्ट जो है, लेट थ्री पीपल लाइक एप्पल एंड कैरेट. एप्पल एंड कैरेट ओनली यहां पे भी आप लिख लीजिए. तीन लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ एप्पल और कैरेट पसंद है. तो एप्पल और कैरेट तो ये हो गया. और तीन लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ एप्पल और कैरेट ही पसंद है. तो वो रीजन कौन सा हो जाएगा? वो ये वाला रीजन हो जाएगा. इसकी वैल्यू कितनी है? 3 है. ठीक है. ये वाला रीजन जो है वो एप्पल और कैरेट पसंद है. ये पूरा नहीं आएगा, ये पूरा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तो बनाना भी इंक्लूडेड है ना. अगर हम ये पूरा ले लें, यहां से यहां अगर पूरा ले लें, ये वाला फिगर अगर हम पूरा ले लें, तो इसमें तो एप्पल और बनाना भी, यहां पे तो बनाना भी इंक्लूडेड हो जाएंगे. लेकिन हमें बोला क्या है? एप्पल एंड कैरेट ओनली. तो एप्पल और कैरेट वाला जो रीजन है वो ये वाला हो जाएगा. तीन लोगों को ये पसंद है. और लास्ट क्या बोला है? फोर पीपल आर सच दैट दे लाइक बनानास एंड कैरेट्स. ओनली बनाना और कैरेट वाले कौन से हैं? ओनली बनाना और कैरेट वाले ये. तो कितने ऐसे लोग हैं? कितने ऐसे लोग हैं? 4 ऐसे लोग हैं. 4 ऐसे लोग हैं. तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी पीपल लाइक एप्पल्स ओनली. हाउ मेनी पीपल लाइक एप्पल्स ओनली. तो हाँ, एप्पल्स ओनली वाला रीजन कौन सा है? एप्पल ओनली वाला रीजन कौन सा है? ये वाला रीजन हो जाएगा. ये जो रीजन हो गया, ठीक है, एक पॉइंट यहां मार्क कर दीजिए, एक पॉइंट यहां मार्क कर दीजिए, एक पॉइंट यहां मार्क कर दीजिए. और ये वाला जो रीजन हो गया, ये वाला, ठीक है, एक मिनट, ये वाला जो रीजन हो जाएगा, सॉरी, ये वाला जो रीजन हो जाएगा, ये वाला जो रीजन हो जाएगा, ये वाला नहीं, सॉरी, ये वाला नहीं होगा. सिर्फ एप्पल्स आपसे पूछा है कि दोज हू लाइक एप्पल्स ओनली. तो एप्पल्स ओनली वाला रीजन कौन सा हो जाएगा? ये और ये वाला रीजन आपका हो जाएगा, एप्पल्स ओनली वाला रीजन. तो आप देखिए अब फिगर में क्या है. फिगर में क्या है? एक बड़ा सा सर्कल है, टोटल एप्पल वाला. कितना इसका वैल्यू है? 10. इसमें से ये वाला 2 माइनस कर देना है. ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है जिसका वैल्यू 3 है, वो माइनस कर देना है. और जो लास्ट वाला पोर्शन है 3 का, वो माइनस कर देना है. तो हमें क्या मिल जाएगा? एप्पल ओनली वाला पार्ट. ये वाला जो पार्ट है ना, वो क्या हो जाएगा? पूरा -2, -3 और फिर -3. ये वाला जो शेडेड वाला रीजन है उसका क्या वैल्यू हो जाएगा? पूरे का वैल्यू -2, -3 और फिर -3. तो 10, -2, -3 और -3. तो क्या हो जाएगा? 3, 3, 6, 2, 8, 10 - 8 = 2. तो इसका आंसर 2 हो जाएगा. ठीक है. और ये वाला जो फिगर आपको दे रखा है यहां पे,
ये वाला फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो एबीसी वाला जो रीजन है, ये एबीसी वाला रीजन है, यहाँ पे तीनों ही काम हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे तीनों ही काम हो रहे हैं। मतलब इस क्वेश्चन को अगर पढ़े तो दिस इज द रीजन वेयर तीनों ही पसंद है लोगों को, एप्पल भी पसंद है, बनाना भी पसंद है और कैरेट भी पसंद है। ये वाला जहां पे ए लिखा हुआ है वो ऐसा रीजन है जहां पे लोगों को सिर्फ ऐसे लोग हैं जहां पे सिर्फ एप्पल पसंद है। ये सिंगल सी जहां पे लिखा है ये रीजन वैसा है जहां पे लोगों को सिर्फ कैरेट पसंद है, और ये वाला रीजन ऐसा है जहां पे लोगों को सिर्फ बनाना पसंद है। ये वाला रीजन कैसा था, जहां पे लोगों को सिर्फ एप्पल पसंद था। और ये भी देख लेते हैं ए बी रीजन कौन सा है, जहां पे लोग को वैसे लोग हैं जहां पे लोगों को एप्पल और बनाना पसंद है लेकिन कैरेट पसंद नहीं है, सिर्फ एप्पल और बनाना पसंद है। एसी कौन सा रीजन हो गया, जहां पे लोगों को एप्पल और कैरेट पसंद है लेकिन बनाना पसंद नहीं है। बीसी कौन सा रीजन हो गया, जहां पे लोगों को बनाना और कैरेट पसंद है लेकिन एप्पल पसंद नहीं है। तो यह सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं, इसको मैंने यहां पे एक्सप्लेन भी कर दिया है, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है अगर आप इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और इसको हमारे कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो आपको कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करना है कि इसका, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पेट एनिमल्स डॉग और कैट के बीच में कैसा रिलेशन बनेगा ए बी सी डी में से, आपको कमेंट करके हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों हमने वेन डायग्राम का बेसिक थ्योरी देख लिया, अब वेन डायग्राम का जो नेक्स्ट एप्लीकेशन होता है ना वो सिलॉजिज्म वाले कॉन्सेप्ट में होता है, और उस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल स्कैन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।